अगर आप जीते जी स्वर्ग का आनंद लेना चाहते हैं तो जीवन में एक बार कश्मीर की सैर जरूर करें। यहाँ के झीले, बाग, वन, हिमालय की पीर पंजाल की श्रृंखलाओं के बीच बसा कश्मीर दिल को छू जाने वाला प्राकृतिक खूबसूरती से भरा हुआ है। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि बड़े से बड़े और छोटे से छोटे बच्चे भी जम्मू कश्मीर की हसीन वादियों के बारे में जानते हैं और उनकी दिली ख्वाहिश होती है कुदरत की इस नायाब रूप को देखने का। कश्मीर में टूरिस्ट को देखने के लिए हजारों जगह हैं, तो उन्हीं में से सबसे खूबसूरत जगहों में से एक ऐसी जगह के बारे में आज जानेंगे जिसे हम दूध पथरी के नाम से जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दूध पथरी का मतलब है दूध की घाटी। राजधानी श्रीनगर से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दूध पथरी अभी कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के पर्यटन लिस्ट में शामिल हुआ है। दूध पथरी दूसरे हिल स्टेशन की तरफ बेहद शांत और खूबसूरत है। ये कटोरा आकार की घाटी जम्मू और कश्मीर के बडगाम जिले में स्थित है। कहते हैं कश्मीर के एक प्रसिद्ध संत ने एक बार जमीन से पानी निकालने के लिए प्रार्थना करी। जैसे ही उन्होंने अपनी छड़ी से खुदाई की तो उसमें से दूध की धार बहने लगी। अगर आप दूध पथरी घूमने की योजना बना रहे हैं तो एक बार जरूर नदी के किनारे चलें और बहती हुई नदी में पैर डालकर बैठकर आसपास की खूबसूरती को अवश्य निहारें। अब बात करते हैं दूध पथरी कैसे पहुंचे। तो अगर आप यहां पर बाई एयर आना चाहते हैं तो दूध पथरी का नियरेस्ट एयरपोर्ट श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। टूरिस्ट एयरपोर्ट से दूध पथरी आसानी से टैक्सी या फिर बस के द्वारा पहुंच सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो यहां का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जम्मू तवी है, जहां से श्रीनगर की दूरी लगभग 350 किलोमीटर है। इस सफर को आप बाई बस या फिर कैब के जरिए पूरा कर सकते हैं या फिर श्रीनगर आने के बाद आप श्रीनगर से बडगाम तक का बस ले सकते हैं। बडगाम से खान साहिब पहुँचने के बाद दूध पथरी के लिए कैब किराए पर मिल जाती है। अगर आप कैंपिंग के शौकीन हैं तो आप इसका लुत्फ दूध पथरी में ले सकते हैं। आप यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलजुल सकते हैं और सुबह सुबह कश्मीरी चाय और ब्रेड का मज़ा भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप आसपास की छोटी मोटी पहाड़ों पर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर तांगर, यूसमर्ग, पल मैदान घूम सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।